हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर संजय। आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ बीटी 36 क्रीम के बारे में। यह एक होती है और इसका उपयोग खास करके स्तन को गोल सुडोल बनाने का काम उपयोग लाया जाता है। आजकल देखे जाते हैं कि औरतों के स्तन कटकते जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, उसमें कोई आकार ही नहीं दिखता, जिसके कारण से उनकी सुंदरता बहुत ही खराब दिखने लगती है। और इस क्रीम का आप उपयोग करने के बाद यह स्तन को टाइट करेगा, ढीले हुए स्तन को टाइट करेगी, जो लटक गए हैं उसको सुडोल बनाएगा, उसकी नस जो झूल गई है उसको धीरे धीरे वो सही जगह पर ले आएगा। यह अच्छी क्रीम होती है। बीटी 36 क्रीम एक आयुर्वेदिक क्रीम होती है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो होता है सतावरी, चंदन, आंवला, एलोवेरा, सफ़ेद जीरा, बहुत ही प्रकार के इसमें एनिग्रेन डाले जाते हैं जो इसको परफेक्ट बनाती है। देखिए, औरतों की खूबसूरती का खास मकसद होता है उनका स्तन। अगर स्तन उनके बढ़िया हो, गोल मटोल हो, तो उसमें चांद सा निखार आने लगता है। और अगर स्तन झूले हुए होते हैं, लटके हुए होते हैं, ढीले लगते हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देगी, क्योंकि इसका सुंदरता का राज आपका स्तन ही होता है। इसलिए स्तन को सुधारने में यह क्रीम बहुत ही उपयोगी होती है। इस क्रीम का उपयोग होता है खास करके स्तनों का विकास के लिए। बहुत लेडीज़ का स्तन छोटे से हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी सुंदरता नहीं आती। किसी किसी का झूल जाता है, किसी का एकदम पूरा बेकार से लगने लगता है, और किसी का गोल तो दिखता ही नहीं, एकदम पूरी तरह से वो बेकार सा लगता है, जिसके कारण उसकी सुंदरता खराब हो जाती है। तो यह क्रीम क्या करती है, इसमें एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स होता है, वो इसको स्तर को बढ़ा देती है, जिसके कारण से उनका स्तन जो है गोल मटोल हो जाता है और सुंदर दिखने लगता है। 18 वर्ष के नीचे लड़कियां इसका उपयोग ना करें, 18 वर्ष के ऊपर ही इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसको जैसे क्रीम हम लोग मुंह में लगाते हैं, उसी तरह स्तन में एकदम अच्छी तरह से एकदम लगाना है ऊपर से नीचे तक। आपको एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस क्रीम का उपयोग ना करें। अगर आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को तो भी इस क्रीम का उपयोग ना करें। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हो तो भी इस क्रीम का उपयोग ना करें। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।